ठीक है हरे कृष्ण, कृपया शांति बनाए रखें। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मुहे दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लो नाथ है। सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंदन, यमुना
यमुना तेरा वन सारे यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद जय नंद यशोदा दुला गिरिवर हरि गोपाल जय जय गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर हरि गोपाल जय जय नंद यशोदा जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर हरि गोपाल जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare. Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare. Krishna Hare, Ram Krishna Hare, Ram Krishna Hare. Jai Jai Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare. Ram Krishna Hare, 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 Ram Krishna Hare,
युगधर महाराज हरिनाम संकीर्तन के जय। श्री राधा माधव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हेलीकॉप्टर बंद करो, सारा बंद करके चेक करो, एक चालू रहना तो बाद में सब चेक कर लो किससे आवाज आ रही है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनाया तद्धाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना व्रजवधू व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न परा तत्रादरे न परा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। सिया राम मई सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी मनुजं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युत मुख्यम श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहे हरेहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित भगवान की कथा जो तीन सत्र में चल रही है इसमें आप सभी भक्तों का स्वागत है। उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवगण सभी भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गत सत्र में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए और किस प्रकार वहां देवी सती के द्वारा कुंभज ऋषि का अपराध हुआ और उनका फिर पतन हो गया, उन्हें अपने शरीर को त्यागना पड़ गया। हम भक्ति करते हैं, यहाँ पे प्रायः लोगों के माथे पे तिलक है, कंठी है, हाथ में बीड बैग है, झोली माला है। हम भक्ति करते हैं, हम भगत हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जीवन में ये हमेशा याद रखें कि वैष्णवों के प्रति अपराध ना करें, वैष्णवों के प्रति अपराध ना करें। चैतन्य महाप्रभु ने यहां तक कहा कि भक्ति थोड़ा कम करोगे चलेगा, मंदिर थोड़ा कम जाओगे चलेगा, कीर्तन कम करोगे चलेगा, लेकिन वैष्णव अपराध करोगे ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमारी भक्ति जो हमारी भक्ति कैसे है भगत, हमारे हृदय में उस भक्ति रूपी बीज को बोते हैं। अब हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे क्या करें, जल देवें, सींचें, उसे बढ़ाएं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र रूपी जप देवें, पानी देवें, श्रवण रूपी उसमें जो फर्टिलाइजर है वो सारे डालें और उसको बढ़ाएं। अब यह तो ठीक है, भक्ति रूपी लता बीज जो है सो बढ़ रही है और ये कहां तक जाएगी, ये आकाश को भेद कर, स्वर्ग लोक को भेद कर, ब्रह्म लोक को भेद कर कहां पे आश्रय पाएगी, भगवान के
चरण कमलों में। लता जब होती है, आपने देखा होगा, आप लोग खेती करते सीम की, सीम अथवा झींगा वगैरह तो लगाते ही होंगे, वो तो हम लोग मतलब आपने देखा है कि शहरों में भी लोग लगाते हैं गमले में, तो उसको एक डंडे की सहारा दिया जाता है और वह फल देना कब शुरू करता है, जब वह उसके आश्रय को प्राप्त कर लेता है, जब वह पहुंच जाता है तो फिर फल देना शुरू कर देता है। हमारी भक्ति रूपी बीज को भक्तों की कृपा से बोया जाता है और बहुत सुंदर भक्तों के संग से उसको हम जल खाद इत्यादि भी देते रहते हैं, न्यूट्रिशन जो चाहिए सो देते रहते हैं, और अब वह बढ़ रहा है और बढ़ के उसका लक्ष्य क्या है, कहां तक जाना, कृष्ण के चरणों तक, वहां पे जाकर आश्रय प्राप्त करना, और फिर जो भक्ति का आनंद रूपी फल है वह हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाए। ये सिद्धांत है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये लता यहां से उगती है और भगवान के चरण कमलों में जाकर के आश्रय पाती है। आश्रय पाए और लता क्या होती है, बड़े कोमल होती है, लेकिन अगर इस बीच हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो फिर ये लता कभी भी आश्रय नहीं पा सकेगी, भगवान के चरण कमलों में आश्रय। महाप्रभु ने कहा कि भक्ति जो है कोमल लता की तरह है और वैष्णव अपराध कैसा है, पागल मत वाले हाथी की तरह, हाथी आएगा तो रौंद के चला जाएगा। इसलिए जीवन में कभी वैष्णव अपराध नहीं करें, भक्तों के प्रति अपराध ना करें। हमारा होता है, क्या करते हैं हम लोग, अरे वैष्णव की अगर ग्लोरिफिकेशन हो रही हो ठीक है, और निंदा हो रही हो क्या बात कर रहे हैं, चार का मजा आता है। अब मान लो यहाँ कथा हो रही है और कोई कहे गांव वालों को, अरे जानते हो देवघर से रूपानुग प्रभु आए हैं, बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं। अरे वो तो कराते रहते हैं, रामचंद्र प्रभु किसी किसी को बुलाते रहते हैं बीच बीच में, अरे नहीं बहुत अद्भुत हो रही है, अरे हाँ होते रहते हैं, अरे नहीं एक बार राम कथा, एक बार भगवत कथा, और सवेरे सवेरे भगवत गीता भी हो रही, ठीक है सुन लेंगे इंटरनेट पे, अरे नहीं बहुत सुंदर गा गा के म्यूजिक के साथ कथा कर रहे हैं, ठीक है कितना आप बोलोगे। अब उसी व्यक्ति को बोलो, अरे जानते हो रूपानुग प्रभु रास्ते में खड़े खड़े ठेले पर पानी पूरी खा रहे थे, क्या चार कान हो जाता सुनने के लिए। ये स्थिति है हमारी, वैष्णवों का अपराध जैसे हो तुरंत कान हमारे खुल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देवी सती से अपराध हुआ और अपराध होने के कारण उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर हमने कल सुना कि देवी पार्वती ने अगला, क्षमा चाहूंगा, देवी सती ने अगला जन्म लिया किस रूप में, ये होमवर्क था, होमवर्क पूछने के लिए मैंने इतना प्लेटफॉर्म बनाया, नहीं तो बोलेंगे कल से प्रोजी आते ही प्रश्न दाग देते हैं आप तो हम आएंगे ही नहीं। चलिए बताइए देवी सती का क्या अगला जन्म हुआ, हाँ सती माता के रूप में, पार्वती के रूप में, ओके। इनकी माता का नाम मेनका देवी, मैना देवी, ओके। और पिता का नाम, प्रभु जी लोगों से आवाज नहीं आ रही, इधर क्या लगता है आप लोगों को, एवरेस्ट की चोटी क्या बोल रहे हैं, हिमालय, ओके ठीक है तो सुनते हैं, अच्छा वेरी गुड। तो फिर बहुत सुंदर भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग सुना और विवाह के प्रसंग होने के बाद भोलेनाथ और पार्वती बैठे हैं और बैठे बैठे एक दिन देवी पार्वती वैष्णवों की बहुत सेवा करती थी, कुंभज ऋषि को बुलाया, बहुत सारी घटनाएं हुई, उनकी सेवा की, और सेवा करने के बाद आज देवी पार्वती भोलेनाथ से जिज्ञासा कर रही है, क्या हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती। भोलेनाथ सोचे होंगे पता नहीं अभी आई है महल से, कहीं साड़ी वीड़ी तो नहीं मांगेगी या फिर लेकर बोले कि भाई नहीं थोड़ा कुल्लू मनाली जाया जाए कुछ क्या मांगने वाली है, लेकिन इस जगत की सबसे बड़ी जिज्ञासा कर रहे हैं, क्या
भगवान के विषय में सुनना है, भगवत कथा सुनना है, भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुननी है, राम कथा की सुनने की जिज्ञासा देवी पार्वती ने की। शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न करते हुए मंगलाचरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग भी मंगलाचरण के साथ भोलेनाथ के साथ ये कथा प्रारंभ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत शरत हारी, प्रभु सुत शरत बिहारी, प्रभु सुत शरत अजीर बिहारी, प्रभु सुत शरत अजीर बिहारी। क्या कह रहे हैं? मंगल के निधान, हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों को आदान प्रदान करने वाले। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, समस्त दुखों से मुक्त होकर के मंगल को प्राप्त करता है। ये दशरथ के पुत्र राम, समस्त अमंगल को हरने वाले राम, हमारे ऊपर द्रवित होइए कृपा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत शरत अजीर बिहारी, प्रभु सुत शरत अजीर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिजा, हे पार्वती, प्रिय तुम धन्य हो और आज आज मैं धन्यादि धन्य हूं क्योंकि तुम्हारे समान पत्नी मुझे प्राप्त हुई। इस दुनिया में तुम्हारे समान मेरे लिए कोई और उपकारी नहीं, क्योंकि आज तुमने मुझसे राम कथा पूछा है, राम के विषय में पूछा है, अतः मैं धन्याति था, कोई उपकारी। राम कथा सुनने वाला व्यक्ति वैसे ही पवित्र है जैसे देवी गंगा। देवी गंगा के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो शुद्ध हो जाता है, वैसे ही राम कथा सुनने वाले के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है तो वह शुद्ध हो जाता है। देवी, इस संसार में मनुष्य को बहुत सुंदर कान मिले हैं, बहुत सुंदर दो दो कान मिले हैं, लेकिन इतने सुंदर कानों से जो हरि कथा नहीं सुनता, उनके कान सर्प के रहने के बिल के समान हैं।
जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करता उनकी आंखें मोर के पंख में बने हुए आंखों के समान है। इस संसार में लोगों को बहुत सुंदर जिह्वा मुख मिली हुई है, लेकिन उन मुख से भगवान का नाम ना ले तो वो जिह्वा कैसे है? मेंढक के समान टर्र टर्र करने वाली जिह्वा है और कुछ नहीं है। वो अपने जीवन को जी नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है? केवल मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, काल को आमंत्रित कर रहा है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति भजन नहीं करता है तो मनुष्य मनुष्य नहीं, जिंदा लाश के समान है। प्रिय, इतनी सुंदर जीवा मिली हो तो इस जीवा से क्या करना चाहिए? राम और कृष्ण का नाम ले, कथा बोले। प्रिय, वो मात्र अपने काल को निमंत्रण देने वाली होती है जो इस जीवा से भगवान के नाम यश को गान नहीं करता। इस जीवन की सार्थकता भगवान के गुण भगवान के नाम गाने में है। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। देवी, आज आपने मुझसे राम के विषय में पूछा है। देवी, आज मुझे आपने धन्य कर दिया। इस प्रकार श्री शिव जी से राम कथा की जिज्ञासा सुन करके श्री शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और राम कथा सुनाना प्रारंभ किए। और कहते हैं, देवी पार्वती, आज तुमने श्री रामचंद्र की कथा सुनने की जो जिज्ञासा की है ना, ये कथा सुनकर आपका ही नहीं तुम्हारा ही नहीं, ये कथा सुनकर समस्त जीवों का, स्पेशली कलियुग के सारे जीवों का क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। देवी पार्वती, तुमने जो जिज्ञासा की है संसार के लोगों को पवित्र करने की जिज्ञासा, ये संसार के लोग तुम्हारे ऋण को कभी नहीं भूलेंगे। देवी पार्वती की अद्भुत जिज्ञासा। इस जिज्ञासा से, इस कथा से संसार में रहने वाले समस्त लोगों को भगवान के प्रति जो संशय है वह क्या होगा? खत्म हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। इस संसार में समस्त जीवों को भगवान के प्रति कुछ ना कुछ संशय है। विचार करो, 24 घंटा गरुड़ पर सवार होने वाले भगवान जो गरुड़ पे सवार रहते हैं, वह गरुड़ जब धोखा खा सकता है तो कलयुग के जीवों की क्या कहना। परंतु यदि कोई व्यक्ति राम की कथा, भगवत कथा, भगवान की कथा सुन लेता है तो उसका संशय क्या होता है? खत्म हो जाता है। शिव जी देवी पार्वती को राम कथा कह रहे हैं और कथा बताते हुए कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस संसार में असुर लोग बढ़ जाते हैं और अधर्म की हानि होती है, तब तब क्या होता है? करही अनिति जाई नहीं बरनी, और संसार में आसुरी शक्ति बढ़ जाता है, तब भगवान गो विप्रसुर साधु नाम गाय ब्राह्मण और देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगते हैं जब ये असुर लोग, तब भगवान अपने कहे हुए वचन को, क्या है भगवान का वचन? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यह आप लोग को याद है कि नहीं? दो चार गीता के श्लोक याद होने चाहिए आप लोगों को, है ना? कुछ श्लोक याद होना चाहिए। कभी कोई आतंकवादी वगैरह पकड़ ले और पूछे मुस्लिम हो, तो उनको बोलो मुस्लिम है, ठीक है। एक घटना होगी, लोगों को पता नहीं, ओरिजिनल घटना है। क्या बोले वो? कुछ आतंकवादी एक व्यक्ति को पकड़ लिए, बोले मुझे क्यों पकड़ रहे हो? देखिए गीता के श्लोक का फायदा देखिए। बोले तुम हिंदू हो, तुझे मार दूंगा। पागल हो गए, मैं तो मुस्लिम हूं, क्यों मार रहे हो मुझे? बोले अरे मुस्लिम हो? बोले हाँ। बोले कलमा पढ़ के बताओ।
अब कलमा वो क्या जानेगा बेचारा। तो धन्यवाद है बीआर चोपड़ा जी का जिन्होंने महाभारत चलाया और ये दो श्लोका सबको याद करा दिया। कौन सा? फूलों की वर्षा हो रही है, चिंता नहीं करना है, भगवान का जन्म होगा ना, देवी देवता लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं, इसमें मतलब चिंतित होने की बात नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं माता जी। तो वह व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, आप क्या पढ़ूं, उसे यह दो श्लोक याद थे, क्या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले पक्का मुसलमान है, जाने दो इसे क्योंकि उपद्रव तो वही ना करते हैं जिन्हें धर्म के विषय में पता है ही नहीं। अब बताओ इतनी कश्मीर में घटना हुई, अभी आप देख रहे हैं मूवी बनाई गई है, अब बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जहां पे इस प्रकार की घटना करने का आदेश देता है, ऐसा कोई धर्म नहीं है इस संसार में। और भगवान आचार्यों ने क्या कहा मालूम है, सनातन धर्म छोड़ करके, हिंदू धर्म छोड़ करके, बाकी जितने भी धर्म हैं, मुसलमान धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, अन्य जितने भी धर्म हैं, वह क्या है मालूम है, कैटो धर्म है। क्या है? कैटो धर्म मतलब क्या होता है, चीटिंग धर्म, चीटिंग समझते हैं, बेईमानी, क्योंकि वो मंजिल पहुंचा ही नहीं सकते, पहुंचा ही नहीं सकते तो बोलेंगे प्रभु जी फिर जितने मुस्लिम है क्रिश्चियन है उनका उद्धार नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है, कहां से उद्धार होगा बताओ, कोई चांस नहीं है, उद्धार होने का एक ही चांस है क्या, वह भगवान की कथा सुन ले, और भगवान की कथा सुनने से अथवा कुछ स्वीकृति मिल जाए। चैतन्य महाप्रभु बड़ी चिंतित थी कि प्रभु ये मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं कि प्रभु ये मुसलमान बार बार हराम शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हराम, तो प्रभु आप उनके पर इतना करना कृपा कि हा को मत सुनना राम सुनना, प्रभु बस इतना कृपा करना और उनका उद्धार कर दे, ये भगवान की कृपा है। अब जानते हैं आप राजमा भी बोलते हैं ना, राजमा तो भगवान उससे जो नहीं सुनते, खाली रा और म सुनते, राम है ना, सनातन गोस्वामी ने कहा क्या, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियतनम, क्या कहा, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे, भगवान श्री मुरारे के नाम की क्या हो, जय हो जय हो जय हो, विरमति निज धर्म ध्यान पूजा आदि कर्म, अब मैंने अपने सारे धर्म छोड़ दिए हैं, सारे पूजा सारे कर्म सारे यत्न छोड़ दिए, क्यों, कथम अपि शक्रिदातम मुक्तिदम प्राणिनाम य, क्योंकि परम मम अमृतम एकम जीवनम भूषणम मे, क्योंकि जीवन का एक ही अमृत है, वह क्या है, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे, क्या है, भगवान श्री मुरारी का नाम, और दूसरा कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति किस कैसे भी उच्चारण करेगा भगवान के नाम का वो मुक्त कर देंगे, भले आपको चिढ़ाने के लिए मुसलमान बोले हरे कृष्ण वाले हैं, अरे वो हरे कृष्ण बोल दिया उद्धार है उसका, वो हरे कृष्ण बोल दिया तो उद्धार है। अब मानो कोई प्रश्न करे, अरे प्रभु अब कोई गुंगा होगा तो तब तो नहीं उद्धार होगा, अरे नहीं कथाओं में कीर्तन में हरे कृष्ण बोलते ना, प्रभु जी लेकर के गए थे सवेरे सवेरे हरिनाम संकीर्तन, कितने जीवों का उद्धार कर दिए, कहना मुश्किल है, अनंत अनंत जीवों का उद्धार कर दिए, क्या कृपा किया इन्होंने जीवों के ऊपर सोचो। तब कोई कह, अरे प्रभु अब मान लीजिए कोई गुंगा है, सॉरी क्या कहते इसको, बहरा है, बोले अरे तो बहरा हुआ तो क्या हुआ, राम श्याम प्रभु ने इतना सुंदर चारों ओर दीवार में लिखवा दिया है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, उसको देख करके उसका उद्धार हो जाएगा, कथम अपि शक्रिदातम, सुनिए मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे, सनातन गोस्वामी झूठ बोलेंगे, वो बताइए मुझे झूठ बोलेंगे, वृंदावन के मंदिर के बगल में ही उनकी समाधि स्थल है, अब जाकर के वहां देखिए, झूठ बोलेंगे वो क्या,
वो और वो पढ़ के नहीं बता रहे, वो अपना अनुभव बता रहे, हम लोग पढ़ के बता रहे। और सनातन गोस्वामी क्या बता रहे हैं आपको? अपना अनुभव। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो पहले जैसे मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो पढ़ता था तो समझ में थोड़ा कम आता था, पढ़ता था बताता था, लेकिन जब काम करने लगा तब क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। तब मैं जो लोगों को बताता था वो सच बताता था, अरे नहीं ऐसे ही होगा, ये लूप ऐसे चलेगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ डालो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। तो वही सनातन गोस्वामी कह रहे कथम अपि सकृदातम, किसी भी रूपम से, किसी भी रूप से उसने हरे कृष्ण महामंत्र को देख लिया तो उसका उद्धार है। अब बोले प्रभु गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, अब बताओ, अब तो उधार नहीं हो सकता ना। बोले अरे अरे रुको 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 रुको, कथम अपि, दीवाल में उत्कृष्ट है और उसने छू भी लिया तो उसका उद्धार है। हरी बोल। तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसका भी उद्धार कर देते हैं। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति सुन ले तो भगवान उसका उद्धार। इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो जो नहीं करते हैं, प्रभु जी ने तो बहुत सारा माला लाया है, कृपया जरूर जरूर जप करिए। तो कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस धरती पर आते हैं। राम अवतार होने के ऐसे तो अनेक अनेक कारण हैं। भगवान के अलग अलग कल्प में अवतार होते हैं और अलग अलग कारण होते हैं। मुख्यतः तीन अवतार गिनवाते हैं, बहुत सारे गिनवाते हैं, लेकिन एक है क्या आप जानते हैं? मैं खाली गिना देता हूं आपको, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्या क्या था? एक तो था सनत कुमार का श्राप, किसको? हाँ, जय विजय को सनत कुमार का श्राप। दूसरा था जलंधर और वृंदा का, वृंदा देवी का श्राप, किसको? जलंधर को। किसको? बोलिए, देखिए थोड़ा मैं भी भूल जाता हूं, बताना चाहिए आप लोग, किसका, किसको दिए थे? भगवान को। इसीलिए भगवान शालिग्राम जी उस दिन से माताओं से डर गए हैं, इसलिए शालिग्राम सेवा नहीं करना चाहिए माताओं को। बोलते हैं एक माता जी ने स्पर्श किया, अभी तक लुढ़क रहा हूं, अब दोबारा करेगी पता नहीं कहां तक लुढ़कूंगा, इसलिए कभी भी माता जी को पूजा करना अलाव नहीं होता है शालिग्राम जी का। तो और तीसरा कारण क्या था, कौन बता सकता है? नारद जी का नाम सुने? नारद जी का श्राप, किसको? भगवान को। कथा तो आप लोग जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है कि बता दूं, बता दूं, बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी कम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तीन चार और भी बहुत सारे बताते हैं, है ना, बहुत सारे यहाँ पे अवतार के कारण बताए। अब भगवान के अवतार क्यों हुए, अवतार के मतलब परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हुए। तो कहते हैं कि रावण नाम का एक असुर हुआ, जो राक्षस हुआ, जो पूरे जगत में क्या करने लगा, हाहाकार मचाने लगा। तो उससे जो है यह पृथ्वी भारी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई, है ना। कहते हैं चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्त्रवही शुर रवणी। रावण जब चलता था तो ये पृथ्वी कांपने लगता था थर थर करके, पूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता था। रावण आ रहा सुनकर गर्भवती स्त्रियों का प्रसव हो जाता था, इतना खूंखार था वह। तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके, शिव जी से प्रसन्न, शिव जी को प्रसन्न करके वरदान लेकर के रावण सर्वप्रथम कुबेर जी पर आक्रमण किए, उनके धन को लूट लिए, यक्षों को जीत लिए और स्वर्ग के ऊपर भी आक्रमण किया, है ना। और रावण ने अपने अनुचरों को आदेश दे दिया, अरे मैं बहुत बलवान हो गया हूं, ये जिधर भी ये लोग क्या कहते हैं जो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं वो सब बंद करवा दो, ये सब ठीक बात नहीं है, उन सबको बंद कराओ, जितने तपस्या कर रहे हैं उन लोगों को
क्या करा, तपस्या बंद करा दो, ये जितने आश्रम चल रहे हैं उनको शराब के फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर दो, है ना। इस प्रकार की बहुत सारे, अब यन्न उन्न खाने का काम नहीं है, उस सब में ताकत नहीं रहा है, अब गाय को मारो और खाओ, है ना। जहां पे शास्त्र की बात हो वहां पर शस्त्र चला दो, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे, तो उनसे सभी देवी देवता दुखी हो गए, और दुखी होने के कारण जब कष्ट हुआ तो कहे कि सभा में प्रश्न उठा, और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और सब लोग मंथन करने लगे कि आखिर इस संकट से निजात कैसे पाया जाए। सभी लोग कहने लगे कि भगवान के पास जाना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है। सभी लोगों ने कहा कि अरे आखिर भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे प्रकट होंगे, ये बहुत बड़ा उस समय प्रश्न उठा, आखिर भगवान कैसे मिलेंगे। कुछ लोगों ने कहा ध्यान करना पड़ेगा, कुछ ने कहा तपस्या करना पड़ेगा, कुछ ने कहा दान करना पड़ेगा, और कुछ ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा। भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, क्या गिरजा ते ही समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं। क्या कह रहे हैं, हे गिरजा उसी सभा में मैं भी विराजमान था, पर जैसे ही अवसर मिला मैंने एक वचन कह दिया। क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट भई मन। भगवान श्री हरि, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण हर जगह व्यापक हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, है ना। तभी भगवान क्या होंगे, प्रकट होंगे, नहीं तो प्रकट नहीं होंगे, है ना। बोले तब भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। सभी देवी देवता बोले हाँ ये सबसे बढ़िया। सब लोग साधु 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 करके भोलेनाथ के प्रस्ताव को स्वीकार किए, बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है, भगवान का नाम संकीर्तन हो, भगवान की अद्भुत स्तुति हो और भगवान फिर प्रकट हो जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सभी देवी देवता भगवान की अद्भुत स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी मिल करके भगवान की स्तुति करें, सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर हम लोग भी भगवान की स्तुति करें। जय जय शूरनायक जनसुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय शूरनायक दायक प्रणत पाल भगवंता। सीता राम 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 सीता
जय जय शूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय शूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीता राम 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 जय सुरारी सिंधु प्रिया शुभ कंता गोद्विजहितकारी जय सुदारी सिंधु प्रिया शुद्ध कंता सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 समस्त देवतागण भगवान को प्रकट करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु आप देवताओं के स्वामी हो, आप अनेक अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हो, तहे भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। पालन सुर अद्भुत करनी मरम न जानत कोई पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम जानत कोई सीता राम राम सीता राम 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 राम जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई सीता राम 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 सीता राम 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 हे गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले, हे असुरों के विनाश करने वाले, हे समुद्र के कन्या के स्वामी, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हुए और हमारे सामने प्रकट हो जाए। देवताओं और पृथ्वी के बार को दूर करने वाले आपकी लीला अद्भुत है प्रभु, आपकी लीला का भेद आज तक कोई जान नहीं पाया, जिसका सहज स्वभाव ही कृपा करने वाला है ऐसे प्रभु हमारे सामने प्रकट हो गए, हम पर प्रसन्न हो और हमें दर्शन दीजिए। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हे अविनाशी आप घट घट में रहते हो, आप सर्वव्यापक हो, आप परम आनंद स्वरूप हो
आप अजैव हो, आप संसार के जीवों के इंद्रियों से परे हो, आपका चरित्र परम पवित्र है प्रभु, आप माया से आप मुक्ति देने में समर्थ हो। आज हम आपके द्वार पे आए हैं प्रभु, हम पर कृपा करिए और हमारी रक्षा करिए। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि बिंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी मोह मुनि बिंदा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम गुण गण जावही जयति सच्चिदानंदा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम। हे प्रभु, आप सभी लोगों से विरक्त हो, मोह और स्वार्थ से सदा परे हो। आप इस संसार में अपने भक्तों को प्रेम देने वाले हो। रात दिन बड़े बड़े साधु संत रात दिन जिसका ध्यान करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, ऐसे प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जो आपके भजन करते हैं, गुणगान करते हैं, आप उन्हें दर्शन देते हो। आज हम आपके शरण में आए हैं प्रभु, कृपा करें। जे ही दृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहार न दूजा। राम 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 राम। सो करो अगारी चिंता हमारी जानई भक्ति न पूजा। सीता राम 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 सीता राम इस प्रकार समस्त देवी देवता वहीं बैठे बैठे ये बात हुई और बैठे बैठे कीर्तन करने लगे। भगवान प्रकट नहीं प्रकट हुए। भगवान को अगर यहाँ भी प्रकट करना है तो थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, और भगवान को प्रकट करने के लिए 2 मिनट के लिए नृत्य करते हुए डांस करना पड़ेगा और भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 ऐसी अवस्था में भगवान नहीं प्रकट होने वाले हैं। सब लोग खाली खड़ा हो गए। भगवान को प्रकट करना है तो नाचना पड़ेगा, झूमना पड़ेगा, तब भगवान प्रकट होते हैं। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। नाम में आओ नंदलाल, आज मेरे अंग नाम में आओ नंदलाल। मेरे नाम में आओ मेरे माखन को खाओ, नाम में आओ मेरे
नाम में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी हाय मीठी मीठी बतिया तो नाओ नंद लाल आज मेरे अंगना में, आज मेरे अंगना में आओ आज मेरे यंग नाम में आओ नंदलाल, आज मेरे यंग नाम में आओ नंदलाल, नाम में हरि आज मेरे यंग नाम में आओ नंदलाल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yug Dharma Raj Hari Naam Sankirtan Gay Better than Hare Krishna. तो इस प्रकार सभी सभी देवी देवता भगवान को अद्भुत स्तुति करते हुए, नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान का अद्भुत स्तुति किए, अद्भुत स्तुति किए। और स्तुति करने के बाद शांत हो जाइए। हमें मालूम है आप बहुत उत्साहित हैं भगवान के जन्म को लेकर के। मैं देख रहा हूँ इतने सारे प्रसाद तो कहीं पे नहीं देखा। बहुत अद्भुत है, तो बहुत अद्भुत है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा डाउन करिए उधर से। नहीं नहीं अपने साइड दबाइए, अपने साइड दबाइए, हल्का सा और दबाइए, पुश और दबाइए, दबाइए अपने साइड। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। अब उत्साह उत्साह दिख रही है आप लोगों को। तो जब इस प्रकार से सभी देवी देवता भगवान की स्तुति किए, तो अपने कहे हुए वचन को सत्य करने के लिए, इस पृथ्वी पर कटते हुए गायों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनि के यज्ञों को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, भगवान अपने कई वचन को सत्य करने के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की दिव्य वाणी प्रकट हुई, मेघ गर्भवत की, मेघ के समान आकाश को गुंजमान करने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई और सारे देवी देवता भगवान की जय जयकार लगने लगे। भगवान ने कहा, देवताओं में आपकी चिंता बहुत जल्दी दूर करने वाली हूँ, करने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर अवतार धारण करने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ। आप लोग भी जाओ और अपने अपने अंशों से क्या करो, इस पृथ्वी पर अवतार ले लो। दंडकारण्य आदि के जंगलों में वानर रूप में आ जाओ, क्योंकि नारद जी का श्राप है तो उसे भी सिद्ध करना है, भक्तों का उद्धार भी करना है, आप जाओ। लेकिन ब्रह्मा आदि देवता कहे कि प्रभु 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 वन मिनट प्लीज। क्या बताओ, बोले देखिए आप आएंगे तो सही, लेकिन इस पृथ्वी पर अपने आप को भगवान कहने वाला बहुत है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आप कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि आज तो हर एक 10 दिन में या 11वें दिन में एक नए भगवान आ जा रहे हैं मार्केट में, आ रहे हैं ना, फलाना बाबा भगवान, फलाना बापू भगवान, फलाना चाचा भगवान, फलाना साई भगवान, फलाना माई भगवान, ये स्थिति। अब देखिए चारों ओर हर एक दो चार दिन में एक नए भगवान को लॉन्च कर देते हैं, ये लो भगवान। तो भगवान वो हैं जिनका वर्णन शास्त्र में किया गया है, मनगढ़ंत भगवान नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। भगवान ने कहा, राजा दशरथ के घर कौशल्या के गर्भ में, गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, है ना। तो अब भगवान भोलेनाथ इस कथा को परम पवित्र स्थान, परम धाम, भगवान का अद्भुत धाम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, अयोध्या धाम लेकर के जा रहे हैं। आइए हम सब भी भोलेनाथ के साथ ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। बहुत सुंदर चौपाई है, आप लोग भी हमारे साथ गा सकते हैं, ठीक है।
राधापुरी रघुकुल मणि राउ अवधपुरी रघुकुल मणि राउ अवधपुरी रघुकुल मणि राउ यवधपुरी रघुकुल मणि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। बहुत सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। कौन? महाराज दशरथ। दशरथ जिनके विषय में कहा गया जिनका रथ दसों दिशाओं में अबाध्य गति से स्वच्छंद गति से चलता हो, स्वच्छंद गति से, उसे दशरथ कहते हैं। जब चाहे स्वर्ग में जा सकते हैं, जब चाहे पताल में जा सकते हैं, दसों दिशाओं में। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ 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 अवधपुरी रघुकुल मणि राउ। और जिस नगरी की राजा है उसका नाम है अवध। यहाँ किसी भी जीव की हिंसा नहीं, सब लोग परम प्रसन्न, विदित पूरा जगत जिनको जाता। राजा दशरथ परम प्रतापी राजा थे और राजा दशरथ के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ के विषय में कहते हैं कि वे धर्म धुरंधर हैं, धर्म में धुरंधर। राजा दशरथ अपने कर्तव्य में, कर्तव्य का पालन करने में, एकदम धर्म का पालन करने में धुरंधर थे। एक बार किसी को वचन दे दे तो उस वचन को अपने प्राण देकर भी रखा। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख से एक बार निकल गया तो होके रहते। गुण निधि ज्ञानी, सभी गुणों के खान हैं। और हृदय में भगवान सारंग पानी की शुद्ध भक्ति हृदय में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। क्या कहते? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी 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 हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। गाइए सभी लोग, भगवान के पिता का वर्णन हो रहा है। परम भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंत रघुकुल में जिनका जन्म हुआ, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राजा राजवाड़े सब कुछ है, सब कुछ है। परंतु भक्तों, इस संसार का नियम है, यह जगत क्या है,
अपूर्ण है। भगवान ने कहा ना गीता में, दुखालय मशाश्वतम, या दुख देने के लिए भगवान ने बनाया है, अपूर्ण है, सब कुछ है लेकिन अपूर्ण है। आदमी के पास सब कुछ होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है। और इस जगत में अपूर्णता का अनुभव सबको होता है। राजा के पास सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी। एक दिन राजा अपने महल में बैठे हैं और महल में बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं, क्या? एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बैठे हैं अपने महल में और मणि मन शोक कर रहे हैं राजा। क्या दुख था? मोरे सुत नाही, मेरी इतनी पत्नियां हैं, विवाह हुए इतने समय बीत गए परंतु आज तक मुझे पुत्र नहीं हुआ। क्या मैं जीवन भर बिना पुत्र वाला रहूंगा? राजा दशरथ के हृदय में दुख सताने लगा। परंतु भक्तों, जैसे ही महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र नहीं होने का दुख सताया, तुरंत राजा दशरथ क्या कहते हैं? गुरु गृह गया हूँ तुरंत मई पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मई पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, काही वशिष्ठ बहु विधि समझावहु, काही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपने गुरु के पास गए। राजा दशरथ ने आचरण करके दिखाया, संसार में किसी व्यक्ति के हृदय में दुख हो, अन्य किसी के पास ना जाकर के कहां जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। अपनी पत्नियों के पास नहीं गए, प्रजा के पास नहीं गए, सेना नायकों के पास नहीं गए, गुरु के पास गए। और आश्रम में गए और दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों में गिर गए। राजा दशरथ की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। गुरु जी ने देखा महाराज आए हैं, तुरंत खड़े हो गए। महाराज आप मेरे आश्रम में संदेश भिजवाया होता, मैं आपके पास आ जाऊंगा। पूरी दुनिया के राजा है पर आज आंखों में अश्रु भर करके गुरु के पास। गुरु जी ने कहा राजन धीरज रखिए, क्या चिंता है, क्या दुख है, बताइए। राजा दशरथ आंखों में अश्रु लिए दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी विवाह हुए इतने साल हो गए, इतनी पत्नियां हैं परंतु आज तक मुझे मेरे जीवन में पुत्र नहीं मिला, क्या मेरे जीवन में मुझे पुत्र नहीं मिलेगा, क्या मैं कभी पिता नहीं बनूंगा, क्या मैं कभी पुत्र वाला नहीं बनूंगा? इतना कहकर के महाराज दशरथ अपनी धीरज खो गए। महाराज दशरथ की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगे, गुरुदेव क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? उसी समय वशिष्ठ जी ने वरद हस्त पर किया और कहा राजवीर धीरज धारण करो। धारा हो धीर हो है चितचारी, धारा हो धीर हो है चितचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, धारा हो धारा हो धीर हो कहीं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत व्यहारी, धारा धीर हो सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत व्यहारी। राजा धीरज धारण करो, आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी। और अद्भुत पुत्र रघुकुल के ध्वज फड़काएंगे। ये बात सुनकर राजा दशरथ परम प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। परंतु राजा दशरथ, इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए आपको एक यज्ञ करना,
और वह यज्ञ मैं नहीं करा सकता। विचार करिए, अगर आज के गुरु होते तो पुत्र नहीं हो रहा है, भले खुद को नहीं आता हो, क्या बोलते, मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा, इतना खर्च लगेगा, फलाना जप करूंगा मैं, इतना खर्च लगेगा। सिद्धांत सीखना चाहिए। गुरु हैं, देख रहे हैं कि मेरे शिष्य का पतन, मेरे शिष्य का मैं इसमें उद्धार नहीं कर सकता, तो क्या कर रहे हैं, दूसरे ऋषि के पास भेज रहे हैं। बोले महाराज आपको श्रृंगी ऋषि के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बुलाना पड़ेगा और तब जाकर के आपको जो है सो पुत्र की प्राप्ति। बहुत सुंदर, राजा दशरथ नंगे पांव गए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बहुत सुंदर भक्ति सहित मुनि आहुति दिनी, बहुत सुंदर आहुति दी गई और आहुति के साथ साथ अग्नि देवता प्रकट हुए और राजा दशरथ के हाथों में चरु दिया। राजा दशरथ ने उस चरु को अपनी पत्नियों को बांट दिया। आज इस चरु को धारण करके, ग्रहण करके देवी कौशल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी भाग्यशाली। कहते हैं जिस दिन से देवियों ने चरु को ग्रहण किया है उस दिन से अयोध्या में परम मंगल ही मंगल हो रहे हैं। अयोध्या के दिन कैसे बीत रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। अयोध्या की बस्तियां, अयोध्या के नगर हीरे मोती के खानों से भर गए हैं। ध्वज पताका लहराने लगी है, सबके मन में एक आनंद हो रहा है जैसे आप सबके मन में हो रहा है। कई वर्षों से नदियां सूख गई थी, जल नहीं दे रहे थे, आज नदियों में बहाड़ आने लगी है, सुख ही सुख हो रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। साक्षात भगवान आनंद के निधान कौशल लिया के हृदय गर्भ में आ चुके और कहते हैं खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं और आज वह परम पवित्र तिथि उपस्थित हो गई। रामायणकार ऐलान करते हैं कि वो तिथि कैसी थी। वह तिथि कैसी थी, पार्वती ने कहा भोलेनाथ बैठ जाइए, बच्चे लोग बैठ जाइए, ज्यादा चिड़िया बन के उड़ने की जरूरत नहीं है, बिठाइए जो चेयर पे बैठे हुए वो लोग, बच्चों को बिठाइए, मदद करिए, है ना। पार्वती ने कहा भोलेनाथ वह दिन कैसे था, तो शिव जी कहते हैं वह दिन कैसा था। शिव जी पार्वती से कहते हैं देवी अब सुनो वह दिन जब भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं तो वह दिन कैसा है। तो कहते हैं क्या, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि, सभी लोग आइए, मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तुकल पच विजित हरि प्रीता, तुकल पच विजित हरि प्रीता। नौमी तिथि आ गई, अद्भुत तिथि, मधुमास चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ चुका है, आने ही वाला है कुछ दिनों में, अभिजीत मुहूर्त आ चुका है, मध्य दिवस, न सुबह है न रात, मध्य दिवस दिन के दोपहर को पार। वैसे तो जनरली इस ऋतु में बड़ी गर्मी होती है, परंतु भगवान आने वाले ये देखकर सूर्य देवता आज शीतल हो गए, पवन देवता आज बड़े सुंदर सुंदर एकदम सुगंधित सुगंधित मंद मंद हवाएं बहाने लगे, बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण हो गया, एसी पूरा जगत एयर कंडीशनर हो गया। आज भगवान आने वाले हैं ये सोचकर संतों के हृदय में आनंद हो रहा है, जैसे आप लोगों के हृदय में हो रहा है। यस्त्रों के हृदय में क्षोभ उत्पन्न होने लगा और रावण अत्याचार, रावण आदि के अत्याचारों से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था, लेकिन आज पता चला है भगवान श्री रामचंद्र आ रहे हैं तो वृक्षों के ऊपर बहुत सुंदर बड़े बड़े फल और फूल लग गए।
रावण के अत्याचार से, रावण के अत्याचार से नदियों में बहा, नदियों में जल सूख गया था। आज भगवान आने वाले हैं, ये पता चलते ही नदियों में बहुत सुंदर बहार आने लगे। रावण के अत्याचार से संतों के हृदय में जो दुख हुआ था, साधु संतों की अग्नि जो बुझ चुकी थी, वह अग्नि आज पुनः प्रज्वलित हो गई। साधुओं के मन में आनंद होने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान राम आने वाले हैं। ये बात जैसे ही पता चला तो ब्रह्मलोक से सभी देवी देवता को लेकर के ब्रह्मा जी समेत सभी देवी देवता कहां आ गए? अयोध्या धाम में आ गए। और समस्त देवी देवता आकाश में आकर के भगवान को स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमणम रमणम भवता मया कुल राहि हर पावेश।
बोले अब क्या करूं? बोले अब रोने लगो, अब रो। अरे वो भगवान ने प्रश्न किया, बोले माता आखिर मेरे जीवन में क्या दुख है जो मैं रो? मेरे पास दुख तो होना चाहिए, आदमी रोता तब है जब उसके जीवन में दुख होता है, मेरे जीवन में क्या दुख है? माता कौशल्या ने इतना कहा कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके धर्मपुरा के भक्त लोग दुखी हैं, इसीलिए उन धर्मपुरा के भक्तों के दुख में आप रो, आप रो। और भगवान रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जो देवताओं के भी देव हैं वह एक छोटे बालक बन गए और रोने लगे, रोने लगे ना। भगवान इस प्रकार से रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, माँ कौशल्या के वचन को सुनकर भगवान रोने लगे। अपनी भक्त की इच्छा को जानकर तुरंत चतुर्भुज रूप त्याग दिया, छोटे बालक बन गए और रोने लगे। और साथ ही साथ माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु अब एक कृपा और कर दीजिए, कि अब आप इतना कृपा करिए प्रभु कि ये जो ऐश्वर्यमय रूप आपका हमने देखा उसकी विस्मृति दे दीजिए, मतलब भूल जाऊं। क्योंकि अगर भगवान को भगवान मानेंगे तो उनको गोद में कैसे लगा लेंगे, अरे ये तो पांव लग जाएगा, ये तो भगवान है ना, कैसे होगा। तो प्रभु उस रूप की क्या कर दीजिए, विस्मृति दे दीजिए। वात्सल्य रस के उपासक हैं, विस्मृति दे दीजिए। भगवान ने ऐसा किया और अब जोर जोर से रोने लगे। बाहर आवाज गई, कुछ दासियां बाहर खड़ी थी, उन्होंने देखा कि कौशल्या के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का प्रकट हुआ है, जन्म हुआ है। कहते हर्षित जहां तहीं दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। जितनी भी दासियां थी सभी दासियां दौड़ते हुए कौशल्या जी के पास आई, कौशल्या जी के कक्ष में आकर के देखा एक अद्भुत बालक, लोग हर्षित हो गए। सभी दासियों में होड़ लग गई कि कौन जाकर के महाराज दशरथ को पास पहुंचे सबसे पहले ये बात बताएगा। और सब लोग दौड़ने लगे। दौड़ के महाराज दशरथ के पास पता चला कि महाराज आपकी बड़ी रानी देवी कौशल्या के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला, महाराज दशरथ नाचने लगे अद्भुत। तब तक में दूसरी दासी आई, महाराज छोटी रानी कैकेयी के गर्भ से भी दो दो एक एक बालक का जन्म हुआ, महाराज दशरथ परम प्रसन्न। तब तक तीसरी दासी आई, महाराज देवी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो बालकों का जन्म दिया है अद्भुत। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। जिस मार्ग पर महाराज दशरथ कभी तेज गति से चले नहीं थे, आज उस मार्ग पर दौड़ने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मना हूं ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही महाराज ने अपने कानों से सुना कि चार चार पुत्र, महाराज नाचने लगे हैं? और कहा क्या,
पर दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने कानों से सुना कि चार चार पुत्र, महाराज दशरथ परम प्रसन्न हो गए और नाचने लगे, अद्भुत डांस करने लगे। परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलायहुं बाजहुं बाजा परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजावहुं बाजा। महाराज सदा खुशी के मारे पागल हो गए और कहे जाओ डीजे वाले को बुझाओ, डीजे बजाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान करो, स्वर्ण का दान करो। अवधवासियों को पता चला कि आज हमारे महाराज के घर पे चार चार बालकों का जन्म हुआ है। यवधवासी धर्मपुरा वासी के तरह भगवान के लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर के आए, हरी बोल, सुंदर सुंदर भेंट भगवान को लेकर के आ गए और पूरे यवध में उत्सव का माहौल छा गया। क्या हे यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। ऐसा कौन सा उत्सव है जो बैठे बैठे मनाया जाता, थोड़ा बताओ मुझे। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। भगवान का जन्म हुआ है, 5 मिनट के लिए उत्सव। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, राजा राम की। यवध में आनंद, यवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। यवध में आनंद भयो, राजा राम की। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा। यवध में आनंद भयो, राजा राम की। यवध में आनंद भयो, जय हो राजा। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। यवध में आनंद भयो, जय
सीता राम की आनंद भयो जय हो राजा राम की आवत में आनंद भयो जय हो राजा राम की आवत में आनंद भयो जय हो राजा जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे बाबा अवध के दुलारे अवध के दुलारे बाबा अवध के दुलारे अवध के दुलारे बाबा अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय रामचंद्र अवध के दुलारे बाबा अवध के दुलारे दुलारे बाबा अवध के दुलारे अवध के दुलारे बाबा अवध के दुलारे अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे सीताराम तुम्हारी जय जय सीताराम तुम्हारी जय जय हो अवध तुम्हारी जय जय हो अवध तुम्हारी जय जय राजा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो अवधे तुम्हारी जय जय हो अवधे तुम्हारी जय जय अवधे तुम्हारी जय जय बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एको तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब न आवे नंद लाल मोहे काहे को तरसावे मेरे मेरे घर का बहु न आवे नंदलाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर का बहु न आवे लाला काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मेरे घर का बहु न आवे सांवरिया मोहे काहे को हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे क्या मदन गोपाल मेरे क्या नाम मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन हमारे हरि कीर्तन में आप दिया ना राधिका जी को लाना आप दिया ना राधिका जी को लाना चरण से बना चरण से बना हमारे चरण खाना मदन नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा नागर नंदा नगर मन गोविंदा नागर
हजरे मन गोविंदा हजरे मन गोविंदा भटवरे कृष्ण बड़े हैं कृष्ण जी बड़े वन में कृष्ण बड़े हैं कृष्ण जी जैसे जैसे तारों में चंदा बजन सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी जैसे जैसे तारों में चंदा Thank you.
तोरे मन गोविंदा नटे वारे नागरे लंदा शाम देखा किसी ने मेरा शाम देखा किसी ने मेरा शाम देखा किसी ने घन शाम देखा राधा ढूंढ रही तेरा शाम हमने मथुरा में देखा राधा तेरा शाम हमने मथुरा में देखा कई अचरात हुए राधा तेरा शाम राधा ढूंढ रही कितना मेरा जान दे
तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा। गोवर्धन गोवर्धन उठाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। गोवर्धन उठाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। गोवर्धन उठाते हुए राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधे 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 हुए और राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 जय सीता राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण सीता राम जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गो हरि बोल 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 हरि
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नी ताई गो हरि बोल धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के रामचंद्र भगवान के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय अयोध्या नगरी की धर्मपुरा धाम की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय 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 गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण सभी लोग बैठ जाइए पांच थैंक यू सो मच हरि बोल आवाज कहां से हो रहा है हरि बोल आवाज कम करो पांच मिनट के लिए बैठ जाइए जहां जगह है वहीं पे अब वो भोग भोग को खोल दीजिए माता जी बस ज्यादा समय नहीं केवल पांच मिनट के लिए रहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे छोड़ दीजिए उसको इसी रहने दीजिए तो बहुत ही सुंदर है प्राय यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त माता जी प्रभु जी बच्चे बूढ़े सबको इस आनंद की अनुभूति अवश्य हुई होगी चाहे वो नृत्य कर रहे होंगे चाहे वो सुन रहे होंगे जैसा कि प्रभु जी बताए ना कि अगर कोई भगवान के नाम रूप लीला को सुन भी ले फिर भी वह मुक्त हो जाता है अपनी आंखों से देख ले फिर भी मुक्त हो जाता है अथवा जैसे आज ठाकुर जी के लिए भगवान राम कृष्ण के लिए बहुत सी माताओं ने छप्पन भोग लाया वो व्यक्ति भी प्रभु जी मुक्त हो जाता है ना है तो भगवान उसे याद रखते हैं हरि बोल बहुत दिनों से उसको मुक्त कर ही देते हैं भगवान तो ये बहुत सुंदर अवसर है और इसी आनंद की खोज में सारे संसार के जीव आज भटक रहे हैं जैसे मेरो मन सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है मेरो मन अनंत कहां सुख पावे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे जैसे बीच सागर में अथाह बीच सागर के बीच में कोई जहाज है और उस जहाज के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ है लेकिन अपनी मन की चंचलता के कारण वह पंछी उस जहाज पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाया उड़ गया लेकिन जब उड़ने को उड़ तो गया लेकिन दूर दूर तक जब तक उसकी शक्ति थी तब तक वह उस समुद्र के जल के ऊपर उड़ता रहा लेकिन जब चारों तरफ काफी समय तक उड़ने के बाद जब कहीं भी न कहीं वृक्ष मिला न कहीं पहाड़ मिला न कहीं कोई आश्रय मिला तो पुनी जहाज की पंछी जहाज पे आवे बहुत उसी प्रकार से इस संसार का जीव ये बिजनेस करेंगे ये नौकरी करेंगे यहां विवाह करेंगे पुत्री नहीं चाहिए पुत्र चाहिए धन चाहिए एक मंजिल नहीं दो मंजिला मकान चाहिए बैंक बैलेंस चाहिए समाज में मान सम्मान चाहिए अनेकों जगहों पर भटक रहा है किस लिए आनंद के लिए सुख के लिए लेकिन अंततः जैसे जहाज की उड़ी हुई पंछी को कहीं आश्रय नहीं मिला और अंत में वह पंछी आकर उसी जहाज के ऊपर बैठी तो उसे कुछ विश्राम मिला उसी प्रकार से सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे आज संसार में लोग भगवान की चरण कमलों का आश्रय स्वीकार न करके अनेक जगहों पर कभी इस देवी के पास कभी इस देवता के पास कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम भटक रहे हैं
कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। भगवान के चरण कमलों को कृष्ण की भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए संसार में अनेकों जगहों पर भटकेंगे। अब वो अभ्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। अब गंगा जी के किनारे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो और प्यास के बिना तड़पड़ा रहा हो, मर रहा हो, और कुआं खुदवाने की व्यवस्था कर रहा हो, तो अमूर्ख नहीं तो क्या है। अरे भैया, गंगा जी में एक गिलास एक लोटा पानी निकालो और गंगा जल, गंगा जी के जल को पी लो, प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वो अमूर्ख है कि गंगा जी के तट पे बैठा है लेकिन फिर भी प्यास के बिना मर रहा है। आज इस भागवत कथा में बहुत दूर दूर से, बक्सर से, भभुआ से, कोचा से और भी कई एक जगहों से माता जी प्रभु जी लोग का आगमन हुआ है, लेकिन यहीं पास में रहने वाले लोग प्यासे हैं, नहीं चाहिए उनको, मरेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। गंगा जी बगल में ही बह रही है, भागवत गंगा रूपी अमृत बगल में ही बह रही है, लेकिन नहीं चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खना। वो कुआं खुदवाने के पीछे पड़ा हुआ है, लेबर बुलाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, कुएं से जब जल निकलेगा तब पिएंगे, तब प्यास बुझेगी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अरे भैया, जिसके पास काम धेनु गाय है वो काहे लिए बकरी के बकरी को दूधेगा। तो बहुत ही सुंदर राम कथा, राम जन्म उत्सव की लीला, बैद्यनाथ धाम से आए हुए हिज ग्रेस रूपानु का प्रभु जी के द्वारा आज भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया। और ऐसा ही उत्सव अगर जीवन में होता रहे तो फिर कहाँ दुख है, कहाँ कष्ट है, कहाँ चिंता है। तो आइए हम हृदय से रूपानु का प्रभु जी का महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि सुखी बीन जहा निरागाधा, मछली जो है कहाँ सुखी रहती है, नीर अगाधा, जहां पर कि अगाध जल हो, छिछले जल में नहीं, छिछले जल में अगर मछली रहे तो आकाश से उड़ने वाला बगुला चोंच मारेगा और उसको निकाल लेगा जल से। तो सुखी मीन जहां निरागाधा, व्यक्ति का मन, इंद्रियां, चित्त जब भगवान की कथा, भगवान के नाम रूप लीला दर्शन प्रसाद में जब वह गोता लगाते रहता है, डूबते रहता है, सुबह दोपहर शाम, भागवत में कहा गया कि नित्यम भागवत सेवे प्रतिदिन, तो फिर वह इस भाव सागर को कैसे पार कर जाता है पता भी नहीं चलता है। बड़ा सुंदर है, और दो दिन की कथा बची हुई है, कल और परसों, और उसमें भी कल जो है भगवान की परम पवित्र तिथि एकादशी तिथि, और इस एकादशी के दिन किसी भी लोग को, चाहे वो भक्त हो चाहे वो भक्त न हो, एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, रोटी चावल दाल इसका सेवन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो निर्जला रहे, संभव नहीं है जल पी कर रहे, वो भी संभव नहीं है कुछ फल खा ले, वो भी संभव नहीं है भैया सावा की चावल की खिचड़ी और खीर बनाकर खा ले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, पांच बार खा ले। आचार्य महाराज जी कहते थे कि अगर उससे भी काम ना बने तो दिन भर रात भर में 11 बार खा लो चलेगा, लेकिन अन्न मत खाओ, क्योंकि अन्न खाने से एकादशी के दिन पाप लगता है और हमें पाप करना नहीं है, पाप से बचना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है।
तो कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन भी हमें साधु पुरुष का संग प्राप्त हो रहा है। साक्षात हम वृंदावन धाम में हैं, अयोध्यापुरी धाम में हैं। शरीर से भले धर्मपुरा में हैं, लेकिन मन से तो प्रभु जी ने अयोध्या पहुंचा ही दिया भगवान के राम जन्म उत्सव में। तो अभी जो बाहर से भक्त आए हुए हैं, जैसे कोचस से आज 6-7 माता जी लोग आई है, कोचस में भी सेंटर खुला है। ऐसे ही जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, ऐसी कोचस में एक प्रभु जी हैं जो कि कलकत्ता बंगाल में रहते हैं, उनका अपना मकान है, उन्होंने अपना मकान ही कृष्ण भक्तों के लिए दे दिया है। क्या आप लोग यहाँ आइए, प्रतिदिन आरती पूजा कीर्तन कीजिए, और सेकंड फ्लोर भी बन रहा है, आज मेरी बात हुई उनसे। तो कोचस में सेंटर हो गया, सासारा में सेंटर हो गया, बीच में तो धर्मपुरा ही है। तो अब क्या करना है इसमें, जहां जाइए वहां जाइए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रसाद खाइए, कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो ठीक है, अभी भागवत जी की आरती होगी और सायंकालीन सत्र जो है 5 तो बज चुका है, और जाते जाते मैं समझ सकता हूं कि 5:30 बजेगा घर पे। घर पे जाने के बाद बहुत सी क्या प्राय माताओं को प्रसाद भी बनाना है। हाँ भाई, लीला की भी व्यवस्था है, बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी संभव हो तो 6:30 बजे आ जाइए, जो फ्री हैं 6:45 तक आ जाइए, 7 बजे तक आ जाइए, 7:15 बजे तक आइए, 7:30 बजे तक आइए, लेकिन आइए, आना अनिवार्य है। क्योंकि आज कथा के पश्चात प्रभु जी के साथ जो भक्त आए हैं, क्या नाम है प्रभु जी? हरि बोल। अभिषेक। अभिषेक और प्रभु जी? नमन। नमन। अभिषेक और नमन, जो कि प्रभु जी के धाम बैजनाथ धाम से आए हुए हैं, इन्होंने एक लीला, ड्रामा नहीं कहते हम लोग, आध्यात्मिक लीला कहते हैं, शास्त्रों पर आधारित प्रभु जी ने बच्चों को लेकर एक लीला तैयार किया है। तो इनकी इच्छा थी तो हम बोले कि अच्छी बात है। तो क्या है, अब रात को 9 बजे या 10 बजे जाकर सोना ही तो है, और सुबह में फिर आना है, तो 2 दिन का उत्सव है, थोड़ा देर भी हो तो चलेगा, लेकिन उत्सव तो सेलिब्रेशन करेंगे ही। हरे कृष्ण। अभी भागवत जी की आरती होगी, सभी लोग खड़े हो जाइए। और एक सूचना, हरि बोल। ये जो 56 भोग लगा है, मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया तो आप लोगों को लग रहा हो कि पता नहीं प्रभु जी अपने घर पे रख लेंगे कि क्या करेंगे, हम लोगों ने लाया और कुछ बता नहीं रहे हैं, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट इसलिए करना पड़ेगा कि ये सारा मटेरियल्स जो भी प्रसाद लगा है, सारे प्रसाद को हम लोग एक बड़े डेग में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो 56 भोग तैयार होगा, तो सायंकालीन सत्र में कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पर आए हुए सभी बच्चे, बूढ़े, माताजी, प्रभु जी, सबको मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। अब जो बाहर से माताजी लोग आई हैं, उनके लिए कुछ आइटम्स, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। तो कुछ प्रसाद हम रखो, देखते हैं जैसा होता है व्यवस्था, प्रयास करेंगे, लेकिन ये प्रसाद शाम में ही वितरित किया जाएगा, कार्यक्रम के पश्चात मिलेगा सबको। और जो भी बर्तन लाए हैं आप लोग, तो बर्तन ले नहीं जाना है, अभी सारे बर्तन से ही रहेंगे, और सारे बर्तन में कुछ कुछ प्रसाद दिया जाएगा उन माताओं के घर के लिए। तो सारे बर्तन साफ यहीं छोड़ देंगे, हम लोग कथा के पश्चात सारी उसकी तैयारी करके, सब कुछ करके, और सायंकालीन सत्र में, ठीक है भाई, आज राम जी का जन्म लीला है, उसको भी आनंद करने दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी लोग खड़े हो जाइए, भागवत जी की आरती होगी। आरती लेने के बाद, प्रसाद लेने के बाद आप जाएंगे, भले 10 मिनट विलंब हो, भागवत जी की आरती लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रभु जी पैसा लेने के लिए बोल रहे, नहीं, पैसा देना हो दीजिए, नहीं देना हो मत दीजिए, लेकिन फिर भी भागवत जी की आरती जरूर लेकर जाइए, सभी लोगों के पास आरती पहुंचेगी। लाइए भागवत जी की आरती, लेट है ना तैयार, गाइए प्रभु जी, गाइए, पूरा याद नहीं, भागवत जी की आरती है मेरे मूल मात्रा में। आरती आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण
धर्म भक्ति विज्ञान काल की, धर्म भक्ति विज्ञान काल की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी प्रताप निवारणी, जन्ममृत्यु मय भव भय हारी, सेवत सतत सकल सुखकारी, सुमह सधि हरि चरित गान की, सुमह सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्वर सप्रकाशि, भगवत तत्व रहस प्रकाशिनि, भगवत तत्व रहस प्रकाशिनि, भगवत तत्व रहस प्रकाशिनि, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मोक्ष मोक्ष रति प्रेम सुदासिनी, मोक्ष मोक्ष रति प्रेम सुदासिनी, बताय किंचन प्रिय सुजान की, 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 आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे hare krishna hare krishna 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 hare hare Rama Krishna 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 Rama 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु शिल प्रपाद की जय जय गौर प्रमाणंदे हरि हरि राधे कृष्ण ओके